kids, welcome in EVS class. Student, in today's our EVS class, we will discuss our new chapter, Let's Communicate. Beta, in this chapter, we will get the knowledge about the communication, modern means of communication and mass communication. So, let's start our chapter. First, starter, identify and name these means of communication. Beta, here are some pictures given. We have to identify, okay, and name the means of communication. See, first picture is letter, L-E-T-T-E-R. Now, second is telephone, T-E-L-E-P-H-O-N-E. Now, third is newspaper, N-E-S-P-A-N-E-W-S-P-A-P-E-R. Newspaper. And fourth is radio, R-A-D-I-O, radio, okay. Now see, communication. What is communication? Communication means exchange of information and ideas. अपनी information, जानकारी और अपने ideas का exchange करना ही क्या कहलाता है? Communication. It helps to keep in touch with our friends and relatives. और ये हमारी कितना help करता है? हमारे रिलेटिव्स और हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके टच में रहने। इट इज डन थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक लेटर्स, पोस्टकार्ड, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फैक्स मशीन्स, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द कम्युनिकेशंस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, जैसे कि लेटर, पोस्टकार्ड, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, ओके, ईमेल, फैक्स मशीन, इंटरनेट, दिस ऑल आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, लेटर्स, साइंस, सिंबल्स, गेस्टुरेज एंड पोस्चर ऑफ अवर बॉडी। और जो कम्युनिकेशन होता है वो किस किस के थ्रू हो सकता है? हमारी बातचीत के द्वारा, हमारे हम जो लेटर्स लिखते हैं, हमारे किसी साइन के द्वारा, हमारी बॉडी के पोस्चर के द्वारा, हमारे इशारों से, ठीक है? सिंस अर्लियर टाइम पीपल हैव कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स। बेटा, पहले समय में जो लोग बाग थे वो किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे? लेटर्स के थ्रू, ठीक है? बट दे लुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच द अदर पर्सन। परंतु जो लेटर होता था वो एक दूसरे पर्सन तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता था, ठीक है? लेटर एंड ग्रीटिंग कार्ड आर पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स। जो लेटर्स होते हैं और जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं वो किस में पोस्ट किए जाते हैं? लेटर बॉक्स में। वी मस्ट राइट द कंप्लीट एंड करेक्ट एड्रेस एंड द पिन, पोस्टल, व्हाट्स अ पिन फुल फॉर्म? पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन कोड नंबर ऑन द लेटर्स बिफोर पोस्टिंग इट। और हमको किसी भी पोस्ट कार्ड पर और या फिर किसी लेटर पर क्या क्या लिखना होता है? अपना कंप्लीट करेक्ट एड्रेस और पिन कोड नंबर। जैसा कि हमारे बैरोड का पिन कोड नंबर क्या है बेटा? 301701। तो इस तरह से हमें उस पर पिन कोड नंबर और अपना एड्रेस लिखना होता है। एंड वी आल्सो पेस्ट अ स्टैम्प, और हमको वहाँ पर एक स्टैम्प को पेस्ट करना होता है। वी गेट ऑल दी थिंग्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, और हमें सब चीजें कहाँ से मिल सकती हैं? पोस्ट ऑफिस से। इन अर्लियर डेज पीपल यूज पिजन्स, हॉर्सेस एंड मैसेंजर्स टू डिलीवर मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और पहले समय में लोग जैसे कि पिजन्स यानी कबूतर वगैरह, हॉर्स, घोड़े और मैसेंजर्स को भेजते थे किसके लिए? अपने एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। वी यूज एरोग्राम्स, एरोग्राम्स मीन्स एयर लेटर, टू सेंड लेटर्स टू अवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स लिविंग इन अदर कंट्रीज। अब बेटा, जो दूसरी कंट्रीज में हमारे रिलेटिव्स और हमारे फ्रेंड्स रहते हैं उनको एरोग्राम्स के द्वारा भी अपने लेटर्स को सेंड कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट हेल्प्स टू सेंड अर्जेंट मैसेज, और जो स्पीड पोस्ट होता है बेटा, जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके द्वारा हमारे जो अर्जेंट मैसेज होते हैं उनको हम लोग सेंड कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड पोस्ट से बहुत कम टाइम में वो मैसेज वहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे हमारी हम राखी वगैरह या कोई लेटर वगैरह इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो हम लोग स्पीड पोस्ट से, या कोई पार्सल हमें भेजना होता है तो हम लोग स्पीड पोस्ट से उसको दूसरी जगह भेज सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आल्सो प्रोवाइड
courier service to deliver urgent letters, wedding cards and parcel at our doorstep. और जो पोस्ट ऑफिस होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? कोरियर। आजकल आप सब जानते हैं कोरियर की सुविधा हमारे सब में, हम लोग कुछ भी अमेजोन या किसी भी साइट पे हम लोग कुछ भी ऑर्डर करते हैं और वो कोरियर के थ्रू हमारे घर पे आ जाता है, या फिर हम कहीं पे किसी दूसरी जगह हमको कोई पार्सल भेजना है, कोई लेटर भेजना है, या फिर कोई शादी का कोई कार्ड वगैरह भेजना है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कोरियर के थ्रू उसको भेज सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में वहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है बेटा, नाउ we have discussed about the communication. Hope so you understood. Now second is modern means of communication. So let's see. The different means of communication have made the world a small place. बेटा जो अभी modern जो means communication के बने हैं उन्होंने हमारे इतने बड़े वर्ल्ड को बहुत छोटा सा जगह बना दिया। इट्स मीन्स हम वर्ल्ड में किसी भी जगह पे कोई भी अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। How you see? These days we have modern and fast means of communication like telephone, email means electronic mail, etc. तो इसका मीन हमारे पास अभी modern जो means of communication है like email और telephone के द्वारा हम अपने message को convey कर सकते हैं। देखिए telephone helps in talking to a person anywhere in the world instantly मतलब immediately अ वेरी शॉर्ट टाइम में हम लोग टेलीफोन के थ्रू कहीं पर भी किसी से बात कर सकते हैं। वी कैन यूज द मोबाइल फोन टू कॉल एनीवन फ्रॉम एनीवेयर और हम मोबाइल से कहीं पर भी आप लोग बात कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको विदेश में या कोई भी कंट्री में कहीं पर भी आपका कोई रिलेटिव आपका कोई फ्रेंड है तो यू कैन टॉक विद मोबाइल फोन। वी कैन मेक डायरेक्ट कॉल विद इन द कंट्री ऑन एसटीडी WhatsApp full form subscriber trunk dialing and international calls on ISD international subscribe dialing. Okay, अगर हमें हमारी कंट्री में कोई कॉल करना है तो SDD कॉल कहलाती है और अगर हमें हमारी कंट्री से बाहर कोई कॉल करना है तो वो ISD कॉल कहलाते हैं। ओके, नाउ अ फैक्स मशीन इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन, इट इज यूज टू सेंड और रिसीव इंस्टेंट प्रिंटेड मैसेज। फैक्स मशीन जो होती है बेटा उसके थ्रू वो टेलीफोन से कनेक्ट होती है और उसके थ्रू हम हमारे कोई भी प्रिंटेड मैसेज वगैरह को सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे गए कोई फॉर्म वगैरह फिल करने और अपना कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी आप भूल गए हैं या डॉक्टर के गए आप अपनी स्लिप भूल गए तो आपकी फैक्स मशीन के द्वारा वो जो स्लिप होगी उसको आप फैक्स के द्वारा दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। तो जो फैक्स मशीन होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है। ओके बेटा, नाउ वी गॉट द नॉलेज अबाउट द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ मास कम्युनिकेशन, सी बेटा मास कम्युनिकेशन इज यूज टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मास कम्युनिकेशन के द्वारा हम बहुत सारे लोग एक सेम टाइमिंग में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते। हाउ इट्स, सी देखो रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर इंटरनेट एंड मैगजीन्स आर सम कॉमन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। व्हाट आर? रेडियो न्यूज़पेपर मैगजीन्स ओके टेलीविजन एंड इंटरनेट, दिस आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज। न्यूज़पेपर और मैगजीन अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट होते हैं, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, मराठी में, गुजराती में, हर तरह की लैंग्वेज में आप लोगों को मैगजीन्स और न्यूज़पेपर मिलेंगे। दे आर रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिश न्यूज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और बेटा जो मैगजीन और न्यूज़पेपर होती है उसमें ऑल अराउंड वर्ल्ड की न्यूज पब्लिश होती है। हम एक न्यूज़पेपर के थ्रू ऑल अराउंड द वर्ल्ड में क्या क्या काम पर क्या हो रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पीपल जैसे हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर हम लोग लेते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदी न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर पत्रिका। नाउ पीपल कैन ओनली हियर द डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन रेडियो। बेटा रेडियो के थ्रू हम लोग जो डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं, सॉन्ग्स आते हैं, न्यूज आती है, उनको ओनली सुन सकते हैं, वी कैन नॉट सी। टेलीविजन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन न्यूज़
मूवी एंड सॉन्ग दैट कैन डू बॉस सी एंड ईयर। और हम टेलीविजन के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी अब बेटा हम टेलीफोन के द्वारा डिफरेंट इंफॉर्मेशन, सॉन्ग्स, न्यूज को क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इंटरनेट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हम सबको पता है इंटरनेट सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। वी कैन एनीथिंग सर्च ऑन द इंटरनेट, ऑनली राइट ऑन द टॉपिक एंड वी गेट द नॉलेज अबाउट दैट वन टॉपिक। इट हेल्प्स टू चैट विद आवर डियर वंस। वी कैन सी ईच अदर थ्रू वेबकैम। हम एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू चैट कर सकते हैं, जैसे मैसेंजर्स वगैरह व्हाट्सएप के थ्रू, और हम लोग एक दूसरे को देख भी सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, वेबकैम के थ्रू। इट आल्सो हेल्प टू सर्च इंफॉर्मेशन एंड शॉप ऑनलाइन। और हमें इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और हम अब तो कोई भी शॉपिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अमेजन, बहुत सारी साइट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑल स्मार्टफोन्स हैव इंटरनेट, फ्रॉम प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे टू बुकिंग अ रेलवे एयर टिकट और इवन अ सिनेमा टिकट, ऑल इज पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट। अब बेटा इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं, एयर टिकट हो गया, ट्रेन टिकट हो गया, सिनेमा का टिकट हो गया, ओके, एंड हम लोग अपना कोई भी हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। सो इंटरनेट इज अ वेरी 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 फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो माई डियर किड्स, वी गॉट द नॉलेज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिस चैप्टर। होप सो यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। रीड दिस चैप्टर एंड अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स। सो लेट्स डिस्कस न्यू वर्ड्स। सी बेटा देखिए, नाउ सी न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज एक्सचेंज। देखिए बेटा, ई एक्स सी एच ए एन जी ई, एक्सचेंज। नाउ सेकेंड इज आइडियाज, आई डी ई ए एस, आइडियाज। नाउ थर्ड वन इज ईमेल, ई मेल। फोर्थ इज फैक्स मशीन, एफ ए एक्स फैक्स, एम ए सी एच आई एन ई, फैक्स मशीन। नाउ नेक्स्ट इज गेस्टरेज, जी ई एस टी यू आर ई एस, गेस्टरेज। इसका मीन्स होता है इशारे, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज मैसेंजर, एम ए डबल एस ई एन जी ई आर, मैसेंजर। नाउ नेक्स्ट इज कोरियर, सी ओ यू आर आई ई आर, कोरियर, ओके बेटा। नेक्स्ट इज इंटरनेट, आई एन टी ई आर इंटरनेट। नाउ नेक्स्ट इज वेबकैम, डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई बी सी ए एम, वेब कैम। नेक्स्ट इज लैंग्वेज, एल ए एन जी यू ए जी ई, लैंग्वेज। एंड लास्ट इज मैगजीन, एम ए जी ए मैगजीन, मैगजीन्स, ओके। सो दीज आर द स्टूडेंट्स न्यू वर्ड्स, ओके बेटा। You will be read out these new words and learn the spelling and write down in your notebook. So now let's discuss word meaning. See beta. So let's see word meaning. Dekhi beta. First word meaning is instant. I-N-S-T-A-N-T. Instant ka meaning hota hai immediate. Ya fir a very short period of time. A very short period of time. Okay.
वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट्स इंस्टेंट या फिर इमीडिएट। नाउ सेकेंड इज सब्सक्राइब, एस यू बी एस सी आर आई बी ई, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मीनिंग होता है टू एग्री विद एन आइडिया, टू एग्री विद एन आइडिया, ओके, टू एग्री विद एन आइडिया इज सब्सक्राइब। नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मीन्स होता है नॉलेज, डिटेल, स्टेट, ओके। तो देखिए इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मीनिंग होता है नॉलेज, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डिटेल, स्टेट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एरोग्राम, एरोग्राम का मीनिंग होता है एयर लेटर, ओके। एरोग्राम, ए ई आर ओ एरोग्राम, इट मीन एयर लेटर, ए आई आर एयर एल ई डबल टी ई आर, एयर लेटर। एंड लास्ट वर्ड मीनिंग इज पब्लिश, टू मेक पब्लिक, पब्लिश, पी यू बी एल आई एस एच, पब्लिश का मीनिंग होता है बेटा टू मेक पब्लिक, टू मेक पब्लिक। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग, इंस्टेंट, अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब, टू एग्री विद एन आइडिया, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एरोग्राफ, एयर लेटर, and publish to make public. So lovely kids, write down this word meaning in your notebook and learn this word meaning. Okay, bida. Thank you. Bye bye.